सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू पोकेमॉन एश ग्रे के एपिसोड नंबर 2 में। तो यार पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या किया था मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। हम आ गए थे वेरिडियन सिटी में और हमने वेरिडियन फॉरेस्ट में भी चले गए थे और हमने कैटरपी को भी पकड़ लिया था। तो फिलहाल मेरे पास कैटरपी है लेवल 5 का, पिकाचू है लेवल 7 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें बढ़ना है प्यूटर सिटी की तरफ और हमें लेना है हमारा पहला जिम बैच। सो चलो बढ़ते हैं प्यूटर सिटी की तरफ। तर प्यूटर सिटी जाने के लिए हमें वेरिडियन फॉरेस्ट के थ्रू होना पड़ेगा। सो अभी हम जाते हैं इस रास्ते से। ओके सो वीडल, तो यार ऐश वीडल को पकड़ने वाला था पर पकड़ा नहीं ऐश ने वीडल को। पर हम आगे जाते रहेंगे, हमें बहुत सारे वीडल्स वगैरह पोकेमॉन आने वाले हैं पर हम कुछ करने नहीं वाले। मतलब ओ माय गॉड कुछ ज़्यादा ही है। अभी एक और एक कैटरपी आ गया पर मेरे पास लेवल 5 का कैटरपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ माय गॉड गॉट अवे सेफली। तो अभी यहाँ से हम निकल गए। अच्छा तो यार पोशन मिला तो हम घूम फिर के वापस उधर ही आ गए। ओके तो ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से मेरे को जाना है। ओके ठीक है होश। सो लेट्स सी अभी बढ़ते हैं आगे। तो इस साइड जाना है ऐसा मुझे तो लग रहा है। पिजी, तो यार ऐश पिजी नहीं पकड़ता, सीधा पिजियोटो पकड़ता है। अरे हाँ गाइस ऐश पिजियोटो पकड़ता है ना। सो अगर मुझे इस रूट पे पिजियोटो मिलता है तो मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा। हाँ क्योंकि जब तक ऐश प्यूटर सिटी में था उसके पास एक पिजियोटो भी था और एक कैटरपी भी था। सो अगर यहाँ पे मेरे को कौन सा भी लेवल का पिजियोटो मिलता है तो मेरे को उसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है सो लेट्स सी। ओके गाइस मैं पिजियोटो की बात कर रहा था और पिजियोटो मेरे सामने है। सो अभी हम पिजियोटो को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम उसे मार ना दे तो। पिकाचू ओके नहीं मार पाए हम उसे, टैकल इस्तेमाल किया। हम एक और बार देंगे काश ये मर ना जाए। ओके नाइस, तो अभी हम सैंड अटैक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बैग में जाएंगे, हमारे पास 4 पोके बॉल्स है उसमें से एक फेंकेंगे। लेट्स सी होप करेंगे। ओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं गाइस कोई दिक्कत नहीं। हम फिर से ट्राई करेंगे, बस एक और एक पोके बॉल है अब मुझे। ओके आ गया, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को पीछे से पोके बॉल्स खरीदने चाहिए थे पोके मार्ट में से। ठीक है सो हमने पिजियोटो को पकड़ लिया, तो यस तो हम स्टोरी वाइज जा रहे थे, हमने पिजियोटो को पकड़ लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तो हमें यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। ओके हमें वहाँ से ही जाना है। सो एक काम कर लेते हैं, हमारे पास पोशंस है राइट, 2 पोशंस है तो हम एक यूज़ करेंगे पिकाचू पे। ओ माय गॉड यहाँ पे ये, ओके तो गाइज एमरल्ड में ये नहीं होता। सो मैं जो एमरल्ड वाली सीरीज़ खेल रहा हूँ उसमें ये पूरा एनिमेशन नहीं होता पर इसमें हो रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इससे बैटल होगी पहले। हे आर यू लॉस्ट इन द फॉरेस्ट टू? नहीं बेटे। ओके गाइस तो मैंने इसको हरा लिया, तो अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है हमें। सो कोई दिक्कत तो नहीं है अभी, चलो। पर पिजियोटो को जो है पॉइजन हो गया है। आप हील करते हो? दिस इज सच अ बिग फॉरेस्ट, आई वुड ब्रेक हाउ गुड यू। ओ नाइस मच बेटर, थैंक यू। सो इन आंटी ने हमें, ओ माय गॉड टीम रॉकेट के साथ हमारा एक और एक एनकाउंटर। सो वी मेट अगेन, चलो। तो यार अभी ये इनकी बकवास नहीं की इन लोग ने। नाइस सो यार अभी इनके एक्स और आर बॉक को हराना पड़ेगा जो कि लेवल अप हो चुके होंगे। तो लेवल 8 के है, तो अभी हमारे पास, ओ मेरा पिजियोटो अंदर है यार, कोई दिक्कत नहीं, कैटरपी कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो अभी हम पहले थंडर शॉक लेंगे और फिर टैकल, चलो। तो थंडर शॉक, ओ माय गॉड ज़्यादा का डैमेज नहीं दिया, दिक्कत है गाइस दिक्कत है। ओके बहुत बड़ी दिक्कत है, तो पॉइजन गैस, पॉइजन हो गया पिकाचू। सो बहुत दिक्कत है तो थंडर शॉक काम नहीं कर रहा, मतलब कर रहा है ज़्यादा नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टैकल भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सो यार मेरे को पिकाचू को जिंदा रखना है इस बैटल में। अरे यार पिकाचू ऐसे ही मर जाएगा यार। ओके एक टैकल और ये मर जाएगा एक मर जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके ये मर गया यार, चलो सेंड आउट कीजिए ऑटो को बाहर लाते हैं। सो गश्ट और टैकल, और कुछ करने के लिए है नहीं, बस
ओके, तो अभी और दिक्कत होने वाली है, पैरालाइज कांट मूव। अच्छा एक अच्छा पैरालाइज हो गया। सो अभी हमें ऐसे ही टक टुक करके खेलना पड़ेगा, कुछ कर तो नहीं सकते हैं जब तक ये हार नहीं जाता। ये एक बात अच्छी है कि कॉफिंग है जो ये हो गया, पैरालाइज हो गया, तो उससे ओके पॉइजन गैस, ये पॉइजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा हारने तक ही आया है। सो थोड़ा हाँ ओके चलो हार गए, पहले अटेम्प्ट में हार गई, वही अच्छी बात है। कैटरपी लेवल 6 का हो गया, जियोटो भी लेवल 8 का हो गया, नाइस अच्छी बात है। टीम रॉकेट, चलो इट्स टाइम, टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ अगेन वन अनदर टाइम। तो यार पीछे जाके हील कराते हैं, यही हमारा एक अच्छा ऑप्शन है, हील कर लेते हैं, रिफ्रेश हो गए। चलो अभी क्या, एक पिज्जी आया, एक काम करते थे पिकाचू से हरा देते, क्योंकि थंडर शॉक से तो फट से मर जाएगा, मतलब धीरे धीरे मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे मर जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो लेट्स सी, ये वाले थंडर शॉक से ओ फिर भी बचाया, ओ माय गॉड क्रिटिकल हिट हिसाब। चलो भाई अभी से हम किसी से बैटल नहीं करेंगे, 55 XP फिर भी लेवल अप नहीं हुआ, पर फिर भी हम एक बार ये कर लेंगे। तो चलो यार अभी हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी कोई बैटल्स नहीं करेंगे हम, ठीक है कोई बैटल्स नहीं करेंगे, तो अभी गॉट अवे कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं, इससे बैटल करनी पड़ेगी, तो ठीक है चलो इससे भी एक्सपीरियंस बढ़ ही जाएगा। ओके आ जा भाई। ग्रीटिंग्स, आई एम एन एड्रेसिंग द पोकेमॉन ट्रेनर हु कम्स फ्रॉम पैलेट टाउन डॉट डॉट डॉट, देन आई हैव फाउंड यू एट लास्ट, आई एम सैमुराई, लेट्स हैव अ मैच एंड सी हु ट्रम्प्स। ओके सो लेट्स सी तेरे पास क्या क्या है, तेरे पास पहला पिंसर है जी, अगर इस पास पिंसर होता ना यार। चलो ओके हमारे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है जी, मैं यार बाइंड हो गया है पर, अरे रे रे थंडर शॉक देख के कोई मतलब नहीं है जी यार। वाइस ग्रिप, चलो ये मर गया, पिकाचू मर गया, अभी निकलते कैटरपी को, कैटरपी भी मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टैकल यूज़ करेंगे, पर टैकल से होगा क्या यार, कहाँ डैमेज होगा इतना, वो फोकस एनर्जी यूज़ करे जा रहा है यार। वाइस ग्रिप ओके, 1 HP पे आके रख दिया, नाइस मर गया। चलो अभी ये सच्ची में स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है यार, इसके बाद दूसरा मेटापॉड होगा। सो अभी वाइस ग्रिप गस्ट इस्तेमाल करते हैं, ओ माय गॉड मेरे को पहले से ही पीछे ऑटो को यूज़ करना चाहिए था यार। ओके 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 गस्ट, चलो मेरे को 2 पोशन वेस्ट नहीं करने चाहिए थे। ओ माय गॉड लेवल 9 का हो गया, वाओ वो लेवल 10 का हो गया पीछे ऑटो, नाइस। ओ लेवल 11 का हो गया पीछे ऑटो, नाइस मैन। और नहीं लेवल 11, अभी ये मेटापॉड भेज है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं गश्त से मार सकता हूँ इसके मेटापॉड को। ओके नाइस, चलो भाई लक हमारे साथ है, हमारा पिजियो तो डायरेक्ट लेवल लेवल का हो गया। हो, मेटापॉड हार गया, पिजियो तो फिर से एक्सपीरियंस गेन कर गया है। ओके 96 रुपीज़, ओके तो अभी अब बीडल स्वाम्प अप्रोच क्विक गेट टू माई कैबिन। चलो भैया इसके घर में जाते हैं, आई होप यू लर्न योर लेसन, वॉट यू लेटिंग दैट वीडल एस्केप ऑलमोस्ट कॉट अस अलाइव, द अदर ट्रेनर्स फ्रॉम पैलेटॉन वुड नेवर बी सो इररिस्पॉन्सिबल, आई हैड 3 मैचेस विद पैलेटॉन ट्रेनर्स, दोज ट्रेनर्स रियली न्यू हाउ टू रेज देयर पोकेमॉन्स। अरे मैंने तेरे को अभी हराया है ठीक है, और मैंने एक भी वीडल को जाने नहीं दिया ठीक है, मतलब जाने दिए पता लगे, बट यू प्रूव टू बी ओनली अ नॉय, भैया बहुत मारेगा, नाउ रेस्ट योर पोकेमॉन एंड लीव माई कैबिन। ओके तो ये क्या है, आई फाउंड एंटीडोट, घर से एंटीडोट चोरी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं, इनसे बैटल करेंगे और फिर ओ ककूना। चलो सो यार मेरा जो है ये इवॉल्व नहीं हुआ अभी तक, चलो इससे बैटल कर लेते हैं। बीड्रिल स्वाम्प, डिड यू सी दैट बीड्रिल स्वाम्प बिफोर बजिंग ऑल ओवर। ओके तो इसके पास 3 पोकेमॉन है, मेटापॉड है पहला, सो पीकाचू को बाहर लाते हैं, थंडर शॉक यूज़ करते हैं क्योंकि पीकाचू का एक्सपीरियंस बढ़ाना है मेरे को, मेरे को ट्राई करना है कि मैं ब्रॉक को पहले अटेम्प्ट में हरा दूँ
उतना मेरे को ट्रेन करना है मेरे पोकेमोन्स को, ठीक है? सो लेट्स सी। ओके, पिकाचू हो गया लेवल 8 का। थंडर वेव सीख लिया, पर थंडर वेव आई गेस मैं यस करके, मैं स्विफ्ट करके वापस स्विफ्ट करूँगा। नहीं टैकल नहीं, मैं वापस पिकाचू पे स्विफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को पिजॉट को अभी इतना जल्दी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि पिजॉट बहुत अच्छा लेवल अप हो चुका है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी थंडर शॉक यूज़ करेंगे और कोई ये नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थंडर शॉक फिर से पैरालाइज हो गया है, एटअप ही उसका अभी। ओके तो वी आर डन, मतलब इसका एक तो हार गया, अभी इसका कैटरपी, अच्छा मेरे कैटरपी को भी यूज करना, तो यस करेंगे वापस कैटरपी के स्विच करेंगे। तो आई गेस इस बैटल के बाद कैटरपी लेवल 7 का हो जाएगा, और आई गेस लेवल 7 पे वो मेटापॉड बन जाता है, ठीक है? कम बैक आई गेस, मुझे जितना पता है वो लेवल 7 पे मेटापॉड बन जाता है। तो स्टैटिक पैरालिसिस हो गया उसको, सो थंडर शॉक यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। सो लेट्स गो, और एक थंडर शॉक, अरे और एक बार यूज़ करना पड़ेगा यार, एक अच्छा हमारे पास थंडर शॉक है पहले से ही। चलो तो पीका जो 54 एक्सपी मिला, कैटरपी को भी 54 एक्सपी मिला, कैटरपी हो गया लेवल 7 का। सो लेट्स सी, आई होप सो कैटरपी को अभी इवॉल्व होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। यस देखा, मेरे को लगा था कैटरपी हो गया लेवल 7 का और इवॉल्व होगा मेटापॉड में, तो हमारे पास आ गया अभी मेटापॉड। सो लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, और ये हो गया हमारा मेटापॉड। तो चलो मेटापॉड हो गया हमारा इवॉल्व में, सॉरी हमारा कैटरपी हो गया इवॉल्व मेटापॉड में। तो यार हाँ, मैंने उस एनिमेशन के लिए मैंने ये कर दिया था, पर अभी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया वापस। सो लेट्स गो, अभी हम वापस ये करेंगे और अभी हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे। ओके तो अभी हम आ गए रूट नंबर 2 पे। तो ये जो बंदा है, मेरे को लगता है ये फ्लिंट, हाँ ये है, अच्छा छोटे बंदे यार, सिया। ओके तो यार ये ब्रॉक का पप्पा है। तो अभी हम आ गए प्यूटर सिटी जिम में। सो यार अभी पहले जाते हैं पोकेमॉन हील करवाते हैं। ओके यस क्विक हील कर दो हमारे पोकेमॉन्स। सो यार अगर कहीं तुम्हें कोई बैकग्राउंड में से वॉइस आ रहा होगा तो यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। सो यार अभी सीधा जाके हम ब्रॉक को चैलेंज तो नहीं करेंगे, तो यार सो अभी एक बार मैं चेकआउट करता हूँ पोकेमॉन्स पे। तो यार अभी मेरा पिकाचू है लेवल 8 का, मेटापॉड है 7 का और पिजियोटो है 11 का। सो एक काम करते थे, एक बार ट्राई आउट करते थे ब्रॉक को, ठीक है? सो चलो डायरेक्टली ब्रॉक के पास जाते हैं, बैटल कराते हैं, ठीक है? सो हु गोज देयर, माय नेम इज़ ब्रॉक, आई एम द लीडर ऑफ दिस पोकेमॉन जिम, दिस इज़ योर फर्स्ट जिम बैटल एंड दैट्स पिकाचू इज योर, योर पिकाचू इज इन द क्यूटेस्ट स्टेज, इट कांट विन, लेट्स सी। चलो इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, पर इसके पास दो पोकेमॉन, अच्छा एक ही पोकेमॉन है इसके पास, ऑनिक्स लेवल 14 का। ओके तो जितना डैमेज कर सकते उतना करेंगे, ऑनिक्स पैरालाइज हो गया, एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा डैमेज, क्रिटिकल हिट हो गया। तो एक और थंडर शॉक, ओके नहीं अभी अभी नहीं, ओके रॉक थ्रो गया पिकाचू, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम निकालेंगे मेटापॉड, मेटापॉड से भी जितना डैमेज हो सके उतना डैमेज देंगे, ताकि हमारे पिजियोटो को जो है आसानी हो। ऑनिक्स कांट मूव, तो टैकल पे टैकल देके देते जाएंगे। रॉक थ्रो तो गया हमारा मेटापॉड भी। ओके सो अभी पिजियोटो को यूज़ करते हैं। सो फाइट गश्ट, क्या होता है गश्ट से? ओके नॉट वेरी इफेक्टिव, अरे ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो हम हार गए, नहीं हारे, थोड़ा बाकी है। सो यार स्टोरी लाइन के हिसाब से हमें पहला बैटल तो हारना है ही, वो है चलो सच्ची में ब्रॉक ने रॉक कर दिया यार आज के एपिसोड में। स्टॉप आई डोंट वांट टू हर्ट यू, भैया
तुमने मेरे 3 पोकेमॉन्स को हरा दिया और मेरे को बोलता आई डोंट वांट टू हर्ट योर पिकाचू ऐसे आउट ऑफ एनिवर्सरी लास्ट ब्लॉक ओके तो हमने पैसे दे दिए वाइप्ड आउट ओके तो योर पोकेमॉन आर स्ट्रांग इनफ टू पोज अ थ्रेट टू मी कम बैक व्हेन यू ग्रो अप अच्छा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है तो ओके फ्लिंट कम विथ मी तो यार अभी ये हमें सिखाएगा कुछ हमारे पिकाचू को ये एक्चुअली कुछ सिखाएगा everyone less sometimes you can let it get down Brock is very good his talents could take him much further than just being the local gym leader but Brock has 9 little brothers and sisters to take care of so he could never leave from town for regional championship he's good for nothing father left ये खुद को गुड फॉर नथिंग बोल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है चलो ओके हम सो थिंक यू कैन बीट ब्रॉक दिस में जस्ट नो वे यू कैन सुपर चार्ज योर पिकाचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट फॉलो मी चलो फ्रेंड द रिवर टर्न्स द व्हील द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इट बिलीव दैट जनरेटेड सम पावर टाइम अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एनर्जी this ball could give your Pikachu a boost. Take it. This is the light ball, ठीक है? Okay. कोई दिक्कत नहीं. Good luck, kid. You're it. तो अभी हमें क्या करना है? हमें जो light ball मिला है हमें ये. A puzzling orb that be held by Pikachu. It raises attack and special attack stats. तो अरे sorry. माफ कर दो. Give. So Pikachu. को ये बॉल देंगे हम और पीछे जाएंगे और क्या एक चीज़ करेंगे कि हम एक चीज़ करेंगे कि मैं जो है पीछे जाके वापस इधर जाके पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन ट्रेन करके आऊँगा ठीक है थोड़े से ट्रेन करेंगे हम पिकाचू को थोड़ा सा लेवल अप करेंगे मतलब अभी देखो अभी मेरा पिकाचू है लेवल 8 का तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम लेवल 10 का हो जाए और कैटरबी भी और एक दिक्कत है कि जो मेरा मेटापॉड है वो एक्चुअली वेरिडियन फॉरेस्ट में इवॉल्व होना चाहिए था कि नहीं मतलब ऐश का जो है वैसी सो लेट्स सी क्या होता है होप सो देखते हैं चलो मिलते हैं सो गाइज अभी मैंने थोड़ी ट्रेनिंग कर ली है मतलब थोड़ी नहीं मतलब बहुत सारी ही ट्रेनिंग कर ली है सो मैं अभी क्या ही बताऊँ अच्छा सो अभी मैं क्या ही बताऊँ यार तो लेट्स सी पोकेमॉन में जाते हैं सो पिकाचू हो गया 12 का पिजोटो 12 का और अभी मैं मेटापॉड को ट्रेन कर रहा था सो सबसे हार्ड ट्रेनिंग करना है मेरे को मेटापॉड के लिए यार क्योंकि मुझे मेटापॉड को आज ही के एपिसोड में हमने उसको करना है बटरफ्ली ठीक है सो तो अभी इसको वापस हील करते हैं और थोड़ा सा आगे मतलब ज़्यादा नहीं बचा है मतलब थोड़ा सा मेटापॉड बाकी है उसके बाद वो अभी तो मेटापॉड लेवल 9 का है तो थोड़ा ही एक्सपीरियंस मिलने के बाद वो हो जाएगा लेवल 10 का और फिर वो बन जाएगा बटरफ्री में सो अभी थोड़े से और बैटल्स ढूंढते हैं यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल मेटापॉड से तो ईजी पड़ रहा है हमें हरा देखो मैंने कहा था थोड़ा सा एक्सपीरियंस बाकी है इसका सो थोड़े से टैकल करके मैं हरा रहा हूँ सब चीज़ों को सो लेट्स सी आई गेस 2-3 बैटल्स लग जाएंगे मेरे को ठीक है सो 30 XP अच्छा ठीक है तो दो से तीन बैटल्स फिर हम हो जाएगा आई गेस तो यार प्रॉब्लम ये हो रहा है यहाँ पे कम लेवल के पोकेमॉन्स मिल रहे हैं वो ये दिक्कत है हमारी पर कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है भी और नहीं भी हम कर रहे हैं हमें ठीक 22 एक्सपीरियंस अच्छा तो और एक बैटल और उसके बाद हमारा मेटापॉड भी इवॉल्व हो जाएगा तो अभी ये कैटरपी है लेवल 4 का चलो आई गेस हो जाना चाहिए इसके बाद टैकल और टैकल यूज़ किया तो यार आई एम सॉरी तुम लोग को ये पूरी बैटल्स देखनी पड़ रही है पर कोई दिक्कत नहीं है सो मुझे लगता है तुम लोग कोई बुरा नहीं मानोगे 30 एक्सपीरियंस तो यार लेवल 10 का हो गया सो स्पीड कम कर देता क्योंकि मेरे को इवोल्यूशन देखना है आई गेस 10 पे ही होता है इवॉल्व येस तो मेटापॉड इज इवॉल्विंग इनटू बटरफ्री चलो मेटापॉड अभी हमारे पास आ गया बटर फ्री 2-3-4 ओके कम ऑन ये सो ये हो गया हमारे पास बटर फ्री तो नाइस तो हमारे पास पहला 3rd स्टेज इवॉल्व पोकेमॉन है हमारा बटर फ्री ओके सो बटर फ्री चलो बटर फ्री लर्न स्लीप पावर नाइस चलो ओके
तो स्लीप पावर एक्चुअली काफ़ी हद तक हमारा हेल्प करेगा हमारे बैटल में। तो अभी हम एक काम कर देता हूँ, मैं पोकेमॉन सेंटर में हील अप कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यस यस यस, ओके ठीक है, तो एक बार हील करता हूँ। एंड ओके, तो सबसे पहले जाने से पहले मुझे जाना है पोके मार्ट में, क्योंकि अभी मेरे को और चीज़ें खरीदनी है। सो अरे भैया ये लिख के क्या आ रहा था, तो छोड़ो कोई नहीं। सो अभी यहाँ से हम खरीदेंगे पोशंस और थोड़े पोकेबॉल्स खरीद लेंगे, हालांकि हमें ज़्यादा, अरे इतने नहीं भाई, इतने नहीं, सॉरी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया। सो 5 पोशंस खरीदेंगे, यस करेंगे। और यस मेरे को एक और एक चीज़ बाई करनी है जो कि है ये। सो पोकेबॉल्स मैं 5 खरीद लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नहीं, तो मेरे पास आज मैंने पोशंस तो खरीद लिए पर पोकेबॉल्स नहीं खरीद रहा, क्योंकि पोकेबॉल्स बाद में करूँगा, खरीदूँगा जब मैं निकलूँगा आगे प्यूटर सिटी के जिम को हराने के बाद। तो अभी फ़िलहाल हमारा लाइनअप देख लेते, अरे पोकेडेक्स नहीं, सॉरी, लाइनअप देख लेते। पहले मैंने बटरफ्ली को रखा है, मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, मैं बटरफ्ली से स्लीप करवा दूँगा उसके पोकेमॉन स्लीप पाउडर से, और फिर हम बाद में देखेंगे पिकाचू से यूज़ करेंगे। और हाँ, पिकाचू लर्न कर गया क्विक अटैक। हैवंट यू लर्न योर लेसन येट? Your Pikachu is no match for me. You may think you are ready to challenge me, but as I can tell, you are still a noise. अरे कोई दिक्कत नहीं, as gym leader thought I must accept all the challenges. So let's get over with it. Let the match begin. चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम मैच शुरू करें। एक पोकेमॉन, वाई ब्रॉक एक पोकेमॉन क्यों? जियो डूड, अच्छा चिकन सलवाई जा रहे। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे स्लीप पाउडर। सो जियोडूड हो गया स्लीप, फास्ट स्लीप हो गया। सो अभी हम इस पर यूज़ करेंगे टैकल, तो टैकल से कुछ हो नहीं रहा है, जियोडूड फास्ट स्लीप है। सो अभी हम करेंगे स्विच टू पिकाचू, तो जियोडूड, अरे यार यही दिक्कत, यही तो दिक्कत है भैया यही। तो थंडर शॉक यूज़ करके देखते हैं ज़्यादा डैमेज होता है क्या। ओके यस हो रहा है, क्योंकि वो पिकाचू के पास वो बॉल है इसलिए उससे हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पावर वॉज वीकेंड, अरे यार नहीं यार, हमारा पावर वीकेंड हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम जियोडूड को तो हरा ही देंगे। डिफेंस कल यूज़ कर रहा है, लेट्स ट्राई एक क्विक अटैक, देखते पिकाचू का क्विक अटैक। अरे नहीं, कोई 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 यूजफुल नहीं है क्विक अटैक का। सो यार पिकाचू को मरने नहीं देना है किसी भी हालत में। अरे रे रे, अरे यार शिट यार, मेरे को पिकाचू को मरने नहीं देना था यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास वैसे भी पिजॉट है जो कि संभाल लेगा गश्त से, लेट्स सी, होप सो। यस थोड़ा थोड़ा सा संभाल ले रहा है, डिफेंस कल यूज़ किया उसने ब्रॉक। चलो सो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई यार। टैकल यूज़ किया तो कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। अरे यार डैमेज कम पड़ रहा है यार, डैमेज कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत है, चलो चलो देखते हैं गश्त। सो यस, तो हमने हरा तो दिया इसे। सो बटरफ्ली गेट 109 XP, पिकाचू गेट 109 XP, टीम लीड ड्रॉप होगा। हाँ पिकाचू इलेक्ट्रिसिटी हैड सेड ऑफ द स्प्रिंकल्स, नो मैटर, लेट्स फिनिश दिस मैच। ओके ओके, लिव ऑनिक्स अलोन, आवर ब्रदर वर्कड हार्ड टू रेज इट, यू बिग बुली, स्टॉप इट ऑल ऑफ यू, दिस इज एन ऑफिशियल मैच एंड यू हैव, यू आर गोइंग टू फिनिश इट, नो एवर हार्ट, लेट्स द मैच कंटिन्यू। अरे यार मेरे पास पिकाचू नहीं है यार, और इसका ऑनिक्स वाट लगा देगा यार, मेरी एक्चुअल में वाट लगा देगा यार, इट्स रेनिंग। सो अच्छा इट्स रेनिंग, सो ओ नहीं नहीं यार, इट्स रेनिंग बट क्या करूँ यार, इसका ऑनिक्स बहुत स्ट्रांग है। सो पिकाचू को अब मेरे को ज़रूरत थी पिकाचू की अभी, पर पिकाचू अभी आ नहीं पाएगा, तो अभी गश्त यूज़ करेंगे। अरे कुछ होना नहीं है, रॉक थ्रो कर दे यार भाई, कुछ होना नहीं है यार, मैं हार रहा हूँ, मैं क्यों हार रहा हूँ मेरे को पता नहीं यार। इट्स आउट ऑफ यूजेबल, लॉस्ट अगेन लीडर बग, फर्स्ट यू शुड रिस्टोर, हाँ यार अभी रिस्टोर करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मेरे को वो सब चीज़ें वापस करनी पड़ेगी क्या? सो ठीक है, हम वापस बैटल करेंगे ब्रॉक से। आज के एपिसोड में मेरे को जिम मैच चाहिए ही चाहिए, बहुत दिक्कत दिलाई यार ब्रॉक तूने, ठीक है, बहुत दिक्कत दिलाई।
तो एक काम करते हैं, मैं पहले से पिकाचू को यूज़ करूँगा ठीक है, और जितने भी पोशन है सब पिकाचू पे ही लगाऊँगा। यस लर्न कर, इसीलिए मैं आया हूँ ठीक है, इसीलिए मैं आया हूँ। लेट्स बिगिन द मैच। चलो पहले इसके इसको उड़ा देते हैं हम जियोडूड को, फिर इसका ऑनिक्स। ओके तो दिक्कत, अरे यार अटैक फेल कर दिया यार मैंने, मॉड स्प्राउट यूज़ किया जिससे कि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स वीकेंड हो जाएंगे, पर कोई नहीं थंडरशॉक फिर भी हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है, थोड़ा सा डैमेज दिए रहे डिफेंस कर्ल। अच्छा एक काम कर देते हैं, थंडर वेव यूज़ कर देते हैं ठीक है, पैरालाइज हो गया वो, तो अभी वो हील नहीं सकता, मतलब वो अटैक नहीं कर सकता। डिफेंस रोज कर रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार दिक्कत है क्योंकि डैमेज नहीं हो रहा। वाओ काश मेरे पास एक वाटर टाइप होता, मतलब पर मैं पकड़ नहीं सकता यार एक भी वाटर टाइप से, वैसे भी नहीं पकड़ सकता और ऐसे भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं ऐश के लाइनअप से जा रहा हूँ, जब तक मैं स्क्वाटर वाली स्टोरी तक नहीं पहुँचता तब तक मैं वाटर टाइप नहीं होगा मेरे पास कोई भी। चलो तो ये तो गया, सो अभी हमारे पिकाचू के पास हेल्थ है बहुत, सो 2220 एक्सपीरियंस पिकाचू लीडर ड्रॉप। अच्छा तो अभी इसकी इलेक्ट्रिसिटी फट गई, पानी निकल गया, तो अभी इसके ऑनिक्स को बचाने के लिए इसके बहन भाई आए। सो चलो अभी मैच कंटिन्यू करते हैं, तो अभी रेनिंग हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक टाइप मूव फट से लगेगा ठीक है, इट्स रेनिंग। तो यार बस पिकाचू फास्ट हो, यस पिकाचू फास्ट है। ओके बहुत बहुत ऑनिक्स क्रीच यूज़ कर रहा है, एक काम कर देता हूँ मैं रेन फॉल्स कंटिन्यू, मैं एक थंडर वेव करता हूँ ताकि वो पैरालाइज हो जाए। ओके ठीक है वो पैरालाइज हो गया, पर अरे यार रुको 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 मेरे को किसी भी, तो गाइज मैंने अभी यूज़ किया है एक पोशन यूज़ कर दिया मैंने, सो अभी हम वापस से थंडर शॉक यूज़ करेंगे। ओके तो डैमेज हो रहा है पर ऑनिक्स रिमूव नहीं कर सकता, एक और एक अच्छा काम कर दिया मैंने जो कि थंडर वेव यूज़ करके। सो चलो प्लीज़ ऑनिक्स कांट मूव, अच्छा रेन कंटिन्यूज टू फॉल, यस ओके। और इसका ऑनिक्स का काम करना चाहिए, अरे यार नहीं ऑनिक्स मारना मत यार, हाँ यस यस अच्छा हुआ ख़त्म नहीं हुआ, यस थंडर शॉक, यस भाई लो देयर वी गो, हमने ब्रॉक को हरा दिया, ब्रॉक द रॉक यू आर डाउन। तो पिकाचू हो गया लेवल 13 का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइनली आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड सो आई लॉस्ट, एज प्रूफ ऑफ योर विक्ट्री आई कन्फर यू एंड दिस द ऑफिशियल पोकेमॉन लीग बोल्डर बैच, एश रिसीव द बोल्डर बैच फ्रॉम ब्रॉक। तो यार बोल्डर बैच हमारा हुआ, जस्ट हैविंग द बोल्डर बैच मेक योर पोकेमॉन मोर पावरफुल, एश गॉट, अच्छा पैसे भी मिले हमें, वेट टेक दिस विद यू रिसीव द, अच्छा TM मिला जो कि रॉक थ्रो है। चलो ओके TM ओके, चलो एश आई लॉस्ट टू यू, यू बीट मी इन द बैटल एंड आई ब्रिंग काइंड टू ऑल पोकेमॉन, टू टेल यू द ट्रूथ आई गेट मोर प्लीज फॉर रेजिंग पोकेमॉन देन फ्रॉम मेकिंग देम बैटल। हमको पता है तुम पोकेमॉन ब्रीडर बनना चाहता है ब्रॉक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तू जा सकता है, तेरा पापा जिम संभाल लेगा, ये लो ये आ गया ब्रॉक, यू गो फॉलो योर ओन ड्रीम्स, माई फादर फ्रेंड आई कुड बिकम द ग्रेट पोकेमॉन ट्रेनर आई वॉन्टेड टू एंड बिकॉज आई वॉज सच अ फेलियर आई वॉज टू अशेम टू गो बैक टू माई फैमिली, बट इट्स टाइम आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, ब्रॉक गो फुलफिल योर ड्रीम्स, इट्स टाइम आई स्टार्ट। अच्छा तो अभी ब्रॉक अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, सो हमें निकलना है, इससे बात तो मैं नहीं करेगा, वक्त निकलते हैं। सो गाइस ब्रॉक को तो हरा दिया अभी, सो अभी यहाँ से हम, अरे सॉरी क्या 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 क्या, तो अभी हम यहाँ पे रजिस्टर करवा लेते हैं। सो यार अभी हम यहाँ से, अच्छा नहीं 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 मेरे को फिर से नहीं करना था। सो गाइज अभी हमारे पास, अगर मैं ऐश वाले सेक्शन में जाता हूँ तो हमारे पास एक बैच आ चुका है जो कि बोल्डर बैच, और हमारे पास 5 पोकेडेक्स एंट्री, तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज आज का वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, एपिसोड नंबर 2 आज यही खत्म होगा, हमने ले लिया बोल्डर बैच ब्रॉक से बड़ी मुश्किलों के बाद। सो अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और होप सो हम सेरुलियन सिटी तक पहुँच जाए, और क्या पता हम सेरुलियन सिटी में जिम बैटल भी कर ले और जिम बैच भी मिल जाए, देखा जाएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सेव नारा। और गाइस अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो,
और कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस बताओ कैसा गेम प्ले चल रहा है और मुझे क्या क्या करना चाहिए। और अगर मैं कुछ कोई चीज़ें मिस आउट कर रहा हूँ तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें गेम को डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना गेम। तो यार मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।